नमस्कार, मेरा नाम है यश असानी और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मदनगिरी इलाके में, जहां पर एक युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ है पूरी वारदात और क्या कुछ है जानकारी, बताएंगे आपको विस्तार से इस पूरी खबर के बारे में। बने रहिए हमारे साथ तेज तर्रार न्यूज़ पर। जी, क्या हुआ उस युवक के साथ? मुझे पता होता मैं बताता, मैं उस टाइम नहीं था यहाँ पे। आप उस टाइम यहाँ मौजूद नहीं थे? उस टाइम कोई मौजूद उनके बारे में आपको जानकारी? भाई उसके बाद पता लगा, मैं तो आया हूँ घूम के थोड़ा सा, वाइन शॉप पे गया था मैं, तो उसके बाद आया हूँ यहाँ। क्या पता लगा आपको? कि यहाँ मर्डर हो गया किस बंदे का, तो पता लगा वो भाई था, जानकार बंदा था, तो उसका हुआ है। अच्छा, आपको कुछ पता कितने बदमाश थे? भाई ये नहीं पता, और यही पता होता तो बदमाश जेल में नहीं पड़े हुए थे। कब हुई ये वारदात? ये परसों हुई है। परसों तकरीबन किस टाइम? 8:30-9 बजे तक की बात है। तो कुछ गिरफ्तार बदमाशों की गिरफ्तारी के बारे में आपको जानकारी? भाई अभी तो इनकी जानकारी मुझे नहीं मिली, उनके भाइयों को पता है। अच्छा, आपके ध्यान में कुछ ऐसी पुरानी रंजिश जिसका बदला निकाला गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते थे उनको? हाँ, वो जॉब करता था मार्केट में, जान दोस्त है भाई ऐसे। कितने वक्त से आप जानते थे उनको? 6-7 साल हो गए। नाम क्या था उनका? मनीष। और उम्र कितनी थी? 22-23 साल की उम्र। कि आपके ध्यान में कोई था जिन्होंने भर्ती कराया हो उस वक्त अस्पताल में? वो तो लड़का था भाई, दोस्त था हमारा, बिना नाम का लड़का था। यहाँ पर जो युवक पर चाकू से हमला किया गया है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं सर, जानकारी नहीं है। अरे आपके बगल में ही उनकी दुकान है, कुछ तो देखा होगा आपने। जब वो आए थे ना तो हम थे नहीं यहाँ पर। हाँ, कितने बजे की बात है पूरी? नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन पता चला था कि शाम 2 दिन पहले हुआ है ये। अच्छा। हाँ, तो क्या पता चला था आपको? कि भाई ऐसे ऐसे किसी को चाकू मारा है यहाँ पर। भैया बात ऐसी है कि जो है ना यहाँ पर जो भी हुआ है उस समय हम दुकान में मौजूद नहीं थे, और जब कोई ऐसी वारदात कभी हो यहाँ पर, एक तो इलाके गंदे हैं भाई साहब, तो कुछ वारदातें हो जाती हैं तो बाद में ही पता चलता है। अक्सर यहाँ पर ऐसी वारदातें होती हैं? हाँ, अक्सर नहीं भाई, होती रहती हैं, इस क्षेत्र के अंदर होती रहती हैं। और पुलिस क्या कर रही है फिर? आपके ध्यान में कभी आई हो पुलिस की कार्रवाई? सर पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन स्लोली करती है जी सर। भैया जो सामने दुकान बंद है, क्यों बंद है? भाई यहाँ पर एक मर्डर हो गया था रात में। क्या हुआ था भैया यहाँ पे? भाई मुझे इतना पता नहीं, जितना मैंने आपको कब पता चला? भाई जब सामने मैंने बंदा देखा था जब। कितने दिन से बंद है दुकान? भाई कल से बंद है, शाम से। जिनका मर्डर हुआ था आप उनको जानते हैं? नहीं भाई, मैं किसी को नहीं जानता। भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ जो इनकी दुकान बंद है 3-4 दिन से, क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा हुआ, दो मिनट के बीच में हो गया कारण। 2 मिनट पहले यहाँ बैठा था मैं, घर तक पहुँचा जब तक हो गया खबर। हो गया हादसा? क्या हादसा हुआ? मर्डर हुआ शायद। कितने बदमाश थे? बदमाश होंगे दो। तकरीबन कितने बजे की बात है जो आप बता रहे हैं कि आप यहाँ से 2 मिनट गए, उस दौरान पूरा हो गया? 9 बजे के आसपास। अच्छा, जिनका मर्डर हुआ उनको आप जानते थे? नहीं। कितने साल से कुछ काम कर रहे थे वो यहाँ पे? यहाँ तो 4 दिन से आया था। अच्छा, इससे पहले आके काम करा कर होगा। आपके ध्यान में ऐसी कोई पुरानी दुश्मनी जिसकी वजह से उनका मर्डर किया गया हो? ऐसा कुछ नहीं। अक्सर यहाँ पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं? इस मार्केट में तो पहली हुई है। आसपास के इलाकों में हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ पर युवक का मर्डर किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुकान जो लगभग 2 से 3 दिन से पहले बंद है, वो युवक यहीं पर काम करता था, और इधर इसी के बाहर उसका जो खून गिरा पड़ा हमने आपको पहले ही दिखाया कैमरा में, और यहीं पे उसकी ऐसी अवस्था थी। लगभग पूरा ये जो मामला, ये 5 से 10 मिनट के बीच में किया गया। एक बात हमारे सामने आ रही है कि उसकी पुरानी रंजिश भी थी किसी से, जिसका कारण ये बताया जा रहा है, और बदले के पीछे ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें जो मृतक है वो देवली के एक मकान में किराए पर रहता था, जिस पर बदमाशों ने बुरी तरीके से चाकू से हमला किया। इसी के साथ ये भी हम आपको बता दें जो बदमाश है वो नाबालिग है, और दोनों की उम्र तकरीबन 17 से 18 साल की बताई जा रही है, और जो मृतक है उसकी उम्र 22 से 27 साल के बीच में बता रही है, जिसका नाम मनीष है। और जो मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं वो यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं जो 2 से 3 दिन बंद है यहाँ पे, वो तकरीबन 3 से 4 साल काम कर रहा था और उस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। जो युवक है जिस पर चाकू से हमला किया गया था, देख सकते हैं कैमरे में आप उसके जो खून यहाँ पे गिरा हुआ है, इस वक्त उसी जगह मौजूद हुए मदनगिरी की जो सेंट्रल मार्केट एरिया है यहाँ पे लगता है, जहाँ पर युवक पर बदमाशों द्वारा बुरी तरीके से चाकू से हमला किया गया था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये पूरी वारदात तकरीबन रात के 9 बजे है। इस मार्केट में उस वक्त अधिकतर लोग मौजूद नहीं थे जिन्होंने देखा। हम बता दें जो युवक जो बुरी तरीके से जिसकी हत्या की गई है वो 27 वर्षीय उसकी एज थी, और उसका नाम मनीष बताया जा रहा है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस कार्रवाई ने अभी तक जो 2 नाबालिग जो बदमाश इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि राजधानी दिल्ली में कब तक ऐसी वारदातें सामने आती रहेंगी, और कब इन पर ठीक तरह से कार्रवाई होगी।
इसी के साथ पुलिस प्रशासन पे भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कब ऐसी वारदातें थमेंगी और कब इन पर ठीक तरह से कार्रवाई की जाएगी। अब आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही दिल्ली की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए तेज़तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं यश सानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।